जमशेदपुर के पोटका 22 अप्रैल गुरुवार को जमशेदपुर उड़ीसा को जोड़ने वाला मुख्य पथ हाता के समीप जर्जर पुलिया को तोड़कर नवनिर्मित पुलिया बनाया जा रहा है, जो पिछले 3 महीने से पुलिया को तोड़कर डायवर्जन बनाया गया है। डायवर्जन बनाकर ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया है। ना तो डायवर्जन में जल छिड़का जा रहा है, न ही डायवर्जन के दोनों छोर में किनारे बैरिकेडिंग ही की गई है। रेडियम भी नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। वहीं जल का छिड़काव नहीं होने से काफी मात्रा में धूल कण उड़ रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। पुलिया के समीप स्थानीय दुकानदार वासुदेव गोप का कहना है कि दिन रात हम लोग धूल कण से नहा रहे हैं, जिससे दिन भर में 3 से 4 बार नहाना पड़ता है। ठेकेदार को बार बार बोला जाता है कि डायवर्जन में पानी का छिड़काव किया जाए, मगर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। वही सेवानिवृत्त शिक्षक शंकर चंद्र गोप का कहना है कि हम कई बार ठेकेदार को बोलने के बाद भी नहीं सुनता। मैं काफी चिंतित हूँ कि डायवर्जन से कई राजनीतिक पार्टी के लोग, विधायक एवं समाज सेवी कई लोग गुजरते हैं, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिन रात लोग धूल फांक रहे हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो गई है। डायवर्जन में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बरसात के समय में दिखता नहीं रोड। इसकी मरम्मत होनी चाहिए, साथ ही पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि यहां आसपास के रहने वाले लोग इस धूल कण से निजात मिल सके। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। अंधेरा हुआ था तो बस एक साइकिल से आ रहा था, अपना ड्यूटी से आ रहा था, तो हम उधर से आ रहे थे, जस्ट यहाँ से स्लिप करके सीधा नीचे गिर गया। उसको हल्का चोट लगा था, तो फिर हम आए, फिर मेरे साथ वो लड़का था, उसको फोन करके बुलाया, फिर उसको उठाया। धूल इतना ज़्यादा है कि ऐसी अभी कोरोना चल रहा है, लंग्स में तुरंत इफेक्ट करेगा। सिंपल सा बात है कि लंग्स में तुरंत, मतलब धूल दिया मतलब ऑक्सीजन लेवल गिरना ही है, क्योंकि यहाँ पे धूल से कुछ दिखता नहीं है और यहाँ पे हार्ट बैरिकेड किया हुआ नहीं है। सबसे बड़ा बात, कुछ ना अगर हम नहीं रहते तो शायद वो लड़का मर गया। सर में चोट लगा था, मतलब यहाँ कम से एटलीस्ट एक तो हार्ट वेरिकेशन के साथ में रेडियम लगा होना बहुत ज़रूरी है दोनों साइड। अरे यहाँ रोड का हालत भी तो देख रहे हैं, सुबह शाम पानी चला दे, क्या दिक्कत है। गुप्ता जी, हम लोग वरिष्ठ आम नागरिक हैं, विशेषकर हमारी बात हम कह रहे हैं, ये मेरा आने जाने का, सुबह शाम आने जाने का रास्ता है। हम यहाँ प्राय देखते हैं, हमारा जो असुविधा होते रहता है वो तो अलग बात है, हमारा आंखों के सामने यहाँ कई व्यक्ति को हम गिरते पड़ते देखा है। इस रास्ता में पार होते होते कई गाड़ियों को दम तोड़ते हुए हम देखा है हमने। यहाँ बहुत सारा तकलीफों का धूली, चारों तरफ धूल धूल भरा हुआ रहता है धूल। ये अगल बगल का लोग माने परेशान रहते हैं, गाड़ी पार होने में हम लोग को यहाँ कम से कम 10-15 मिनट तक एक साइड में रुकना पड़ता है। सोचिए, हम लोग रुकते हैं, पार होने के बाद ही हम लोग जाते हैं, नहीं तो जीवन का खतरा है। किसी भी समय आदमी का ही बेमौत मौत आ सकती है। इसके दिनों में पानी जमा हुआ रहता है, गाड़ तो दोनों तरफ नहीं है। एक बार तो मेरे सामने एक गाड़ी गिरते गिरते उधर गड्ढा में गिरते गिरते बचा, किसी प्रकार संभाल लिया। बैरिकेडिंग है क्या? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था इस पर कोई ध्यान, कोई भी व्यक्ति यहाँ ध्यान नहीं है। और यहाँ आम नागरिक जो है परेशान होते हैं, इसके लिए हम कई बार अनुरोध विनोद भी किए थे, भाई इसको आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन जो मालिक से एक रोज बात किए, वो भी बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैठे थे बात किए, लेकिन वो भी बस बोल के ख़त्म हो गया, कोई व्यवस्था कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आम नागरिकों की बात को ध्यान में, कष्ट को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसका कुछ उपाय किया जाए, और पुल को ऐसा जो ढीला ढाला काम चल रहा है इसको भी तुरंत किया जाए वर्षा आने के पहले, ताकि ये पूरा हो सके और हम लोग का जो आने आवागमन करने वाले यात्रियों का कोई दिक्कत ना हो। বাড়িতে সব ছেলে মেয়ে সবাই নাক বন্ধ করে থাকি, আর শ্বাস নিতে বহুত কষ্ট হয়। এই বড় বড় গাড়ি যখন যায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে, আমরা ঠিকভাবে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি না। আবার বাড়ির সব মানে ধুলাই ভর্তি, কমসে কম 1 ঘন্টার বাদে সিমেন্টের উপরে চললে পায়ের ছাপ উঠে যাচ্ছে, এত ধুলা। আর দিনে 2-3 বার স্নান করতে হচ্ছে এই ধুলার ইয়েতে। এখানে আমরা হচ্ছে যে অন্য জায়গায় ভাড়া ঘরে থাকতে হবে, আর এখানে থাকা যাবে না। বীচ মে যে পুলিয়া বন রই হ্যাঁ, ইসমে লোকো কো বহুত, আম লোকো কো বহুত দিক্কত হো রই হ্যাঁ। ইহা পর সবসে পহলি বাত তো, যাহা পর রোড বন রই হ্যাঁ, পুলিয়া বন রই হ্যাঁ, উসকে জিস ওর সে
रास्ता है उधर पे डाइवर्सन नहीं दिया हुआ है कि सौर से जाना है, और जो डाइवर्सन बना हुआ है इसमें जो रास्ता बना हुआ है टेम्प्रेरी उसमें रास्ता भी बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि आने जाने के लिए आदमी गिर रहा है और किसी भी समय अनहोनी घटना होने की संभावना है। और उसके साथ ही इसमें पानी भी नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही जो बनाया हुआ है उसके साइड में किनारे किनारे रेड से कलर से उसमें कुछ बैरिकेडिंग होना चाहिए, बैरिकेडिंग भी नहीं किया गया है। इसलिए हम प्रशासन से और उसके साथ भी और यहाँ के ठेकेदार से भी हम मांग करते हैं कि इसको तत्काल इसको बनाया जाए और सुबह शाम पानी दिया जाए, और नहीं तो हम लोग इसकी लिखित आवेदन डीसी और डीसी से करें। पूरा धूल उड़ रहा है, मेरा हम लोग का रहने के लिए मतलब मुश्किल हो जा रहा है, इतना धूल उड़ता है। फिर यहाँ एक्सीडेंट हर समय एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, और पुलिया 3 महीने से पुलिया बना रहा है अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। और आप लोग से निवेदन है कि इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए, देखिए